डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर वन इज प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो अपोजिट है कॉन्ट्री हम अज्यूम करके चलते हैं कि रूट 5 इज रैशनल। Let us assume the opposite root 5 is rational. अब root 5 rational है तो it can be expressed in the form of a by b, okay? तो root 5 that is equal to, we can write a upon b, where a and b are co प्राइम। ए एंड बी क्या है हमारे पास, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनका एचसीएफ वन है, या वी से दैट इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज ए की है वो कौन सा है, वन। देन रूट फाइव दैट बी दैट इज इक्वल्स टू ए, वी कैन राइट रूट फाइव बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, 5b² दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 5b² दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज बाय 5। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्या होगा, थ्योरम 1.3 से a is divisible by 5. Then theorem 1.3 से क्या हुआ, a is divisible by 5. तो we can write a is equals to 5c, where c is any integer. C is any integer. अब c की a की वैल्यू 5c है वो हम यहां आके पुट करेंगे। लेट इज suppose that this is our equation 1, then 5b that is 5b square that is equals to a square, it means 5c का whole square। हमने क्या करा, a is equals to 5c है, इसकी value हमने यहाँ आके put करी a की place में 5b square that is equals to a square, तो a की जगह 5c का whole square, तो what's coming here 25c square, 5b square that is equals to 25c square, it means b square that is equals to 5c square। So what we can write, we can write b square is divisible by 5. B square is divisible by 5, then theorem 1.3 say b is divisible by 5. It means this is our conclusion number 1 and this is our conclusion number 2. A is divisible by 5, B is divisible by 5. It means A and B having common factor 5. और हमने क्या करा था यहाँ पे, क्या A and B are co-primes, it means A and B का एक ही common factor है that is 1। और हमारे पास क्या आया, A and B having common factor 5, तो यह हमारे पास क्या हुआ, contradiction arises हुआ। ये contradiction किस वजह से arises हुआ, because of our incorrect assumption जो कि हमने किया था कि root 5 is rational। तो इससे क्या हुआ कि root 5 हमारे पास क्या हो गया, irrational, okay? तो what we can write, A and B having common factor 5, so the contradiction arises because of our
इनकरप्ट अजम्पशन. यहाँ पे क्या अराइजेस हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस हुआ बिकॉज ऑफ अवर इनकरप्ट अजम्पशन, जो कि हमने किया था कि रूट फाइव क्या है, रैशनल है. तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर रूट फाइव इज इरैशनल. दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर वन है. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और रही बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, वो आप कर ही देंगे. थैंक यू.